चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम का ही है, जेई का, और दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखता है, पर इस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, और ये दो बार जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इफ ए एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ ए टेन। लॉजिकली ए टेन का मतलब जानते हो क्या, अल्फा टेन माइनस बीटा टेन, ए एट मतलब अल्फा एट माइनस बीटा एट, ये मतलब है, और ए नाइन मतलब हुआ अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन, ये इनके मतलब हुए। अब आपसे क्या पूछा है, ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन, कैसे करेंगे सिंपल वे में वो बताता हूं। सबसे पहले तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी आप ऐसा बोल सकते हो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सिक्स अल्फा प्लस टू अगर ट्रांसफर कर दो, या ऐसा भी बोल सकते हो अब जैसे मुझे अल्फा पावर टेन चाहिए, है ना, अल्फा पावर टेन चाहिए तो अल्फा पावर टेन लिखूंगा मैं, तो सिक्स अल्फा पावर नाइन प्लस टू अल्फा पावर एट ऐसे ही चाहिए इसलिए ऐसा बना दो आप। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बीटा पावर टेन क्या होगा तो भी आप यही बोलते सिक्स बीटा पावर नाइन, थोड़ा स्टाइलिश क्वेश्चन है, अलग ढंग का है, बीटा पावर नाइन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको ए टेन माइनस टू ए एट पूछा है। अब मैं बोलूं इन दोनों को सेपरेट कर दो तो आप बोलते अल्फा टेन माइनस बीटा टेन इक्वल टू सिक्स कॉमन, तो अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन और टू कॉमन, टू कॉमन तो अल्फा एट माइनस बीटा एट, या सुनो अब मुझे बताइए ये क्या लिखूंगा मैं ए टेन, ये क्या लिखूंगा सिक्स टाइम्स ऑफ ए नाइन, इसको कितना लिखूंगा टू टाइम्स ऑफ ए एट। अब आपसे पूछा क्या है, ए टेन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एट अपॉन टू ए नाइन, तो ये कितना छोड़ दें यहां थ्री, देखिए कितनी जल्दी हो गया, यानी एक सही तरीके से अगर आपने क्वेश्चन किया तो आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें कई लोग बहुत ज्यादा टाइम भी खर्च कर देते हैं। यानी अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहां बोला गया है, आपने क्या किया सिंपल, केवल आपको पता अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो, और यहां पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सिक्स अल्फा प्लस टू लिख दिया, सेम बीटा स्क्वायर इक्वल टू सिक्स बीटा प्लस टू, और अल्फा एट और बीटा एट का मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कई बार आया हुआ क्वेश्चन था, थोड़े से कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर लिया, पर अगर आप ऐसे सोचोगे कि ए टेन वहां पर रख दूं तो अल्फा टेन माइनस, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता था यहां पर, इसलिए क्वेश्चन का इनिशियल कैसे लेते हो, आप स्टार्ट कैसे करते हो क्वेश्चन को, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सॉल्यूशन। तो अगर आप अच्छे से बेस बना के पढ़ाई करेंगे जो मैं बोलूंगा, तो आप देख लीजिए आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।